जब से इंसान आकाश की तरफ देखता आया है, तब से वो इसकी खूबसूरती और रहस्यमयता का दीवाना होता रहा है। एक बार आप भी उस समय में जाकर इमेजिन कीजिए जब इंसान के लिए खाना और पानी के अलावा कुछ भी जरूरी नहीं हुआ करता था। वक्त में एक पॉइंट ऐसा आया जब खाने और पानी की इस परेशानी से हम ऊपर आ गए और दूसरी दिलचस्प चीजों में रुचि रखने लगे। सोचिए कि उस समय में सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज कौन सी लगती होगी। उस समय में तो किसी तरह का पोल्यूशन भी नहीं था जो रात के अनगिनत सितारों को इंसानों की आंखों से छुपा सके। उस चांदनी भरी रात में इंसान आकाश की तरफ जरूर देखते होंगे और सोचते होंगे कि ये टिमटिमाती चीजें आखिर क्या हैं। इंसानों की इसी रुचि ने आज हजारों लाखों आविष्कारों को जन्म दिया है। आज हम अपने आकाश के बारे में जितना जानते हैं उतना इतिहास में कभी नहीं जानते थे। गैलेक्सीज, स्टार्स, एक्सोप्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ब्लैक होल्स, सच में अंतरिक्ष में हमें इतनी सारी चीजें मिली हैं कि इंसानों की रुचि कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम अनोखी चीजें डिस्कवर करना चाहते हैं और शायद हमारी ये प्यास कभी नहीं बुझने वाली। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमें दूसरे किसी ग्रह पर एलियन भी मिल गए तब भी हमारी क्यूरियोसिटी कम नहीं होगी। हम जरूर किसी दूसरी नई और अनोखी चीज की तलाश शुरू कर देंगे, लेकिन केवल अंतरिक्ष में चीजें ढूंढ लेने से काम नहीं चलेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमें नदी किनारे एक नाव मिल गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर ये नाव पानी में तैरती कैसे है। भले ही हमने अंतरिक्ष में हजारों चीजें ढूंढ ली हों, लेकिन इनके काम करने के बहुत से तरीकों को हम अभी तक नहीं जानते। ऐसी ही चीजों में आते हैं ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स। आज हम अंतरिक्ष की इन दो अनोखी चीजों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि एक ब्लैक होल और व्हाइट होल में क्या समानताएं होती हैं या क्या असमानताएं होती हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। ब्लैक होल्स उस प्राकृतिक घटना में से एक है जिसके बारे में पहले ही अनुमान लगा लिया गया था। यानी ब्लैक होल की डिस्कवरी से पहले ही इंसानों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल होते हैं। बहुत से मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और अंतरिक्ष के दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देखकर ये अनुमान लगाया गया था। ब्लैक होल का अनुमान पहली बार साल 1780 के दशक में जॉन मिचेल नाम के फिलोसोफर ने किया था। उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष में कहीं न कहीं एक इतना बड़ा सितारा होगा जिसकी ग्रेविटी हमारे अनुमान से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा होगी, बल्कि ये ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि खुद रोशनी को भी अपनी सतह से दूर नहीं जाने देगी। लेकिन अगर ऐसी कोई वस्तु जो रोशनी तक को बाहर नहीं जाने देती, तो क्या हमें वो दिख भी पाएगी? जॉन मिचेल ने यही सवाल अपने आप से पूछा। ये सितारा बहुत बड़ा होगा, इसीलिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये अंतरिक्ष में पूरी तरह से गायब हो जाए। इसीलिए बाकी चमकते हुए तारों से अलग ये कहा जाने लगा कि इस तरह का तारा पूरी तरह से ब्लैक कलर का होगा। इसीलिए भी इसका नाम ब्लैक होल रखा गया था। अंतरिक्ष में यही तो है एक बड़ा काला गड्ढा। अब अगला सवाल ये आया कि आखिर कौन सी परिस्थितियों से गुजरने के बाद एक तारा इस काले गड्ढे में बदल गया था। ये जानने के लिए हमें उस तारे की पूर्व की हालात को समझना होगा। सबसे पहले तो ब्लैक होल में बदलने के लिए किसी तारे को बेहद ही बड़ा होना बहुत जरूरी है, यानी कि उसका मास हमारे सूर्य से करीब 2 या 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बड़ा तारा होने का मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा दिनों तक जिंदा भी रहेगा। उल्टा, बड़े तारे के अंदर फ्यूल ज्यादा तेजी से जलता है और उसकी लाइफ साइकिल और ज्यादा छोटी हो जाती है। एक तारा हमारे लिए क्या मायने रखता है? इंसानों के लिए ये आकाश का एक अटूट हिस्सा है जिससे कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से इंसान जिंदा होते हैं और सालों बाद मर जाते हैं, उसी तरह तारों का भी जीवन चक्र होता है। एक वक्त आता है जब तारे बूढ़े होकर खत्म होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। हर एक तारे के अंदर ग्रेविटी होती है जो अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होती है। इसके साथ ही तारे की कोर में लगातार न्यूक्लियर रिएक्शंस होती रहती हैं, जो एक तरह से ग्रेविटी का विरोध करती हैं और एक तारे को स्टेबल रखती हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस, या सरल भाषा में कहूँ तो विस्फोट, तारे की कोर में मौजूद हाइड्रोजन के हीलियम में फ्यूज होने की वजह से होते हैं। लेकिन ये फ्यूल अनलिमिटेड नहीं होता। कई मिलियन या बिलियन सालों के बाद एक समय ऐसा आता है जब तारे की कोर में मौजूद फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जब तारे की कोर में फ्यूल खत्म होने की वजह से न्यूक्लियर विस्फोट रुक जाते हैं, उस वक्त में ग्रेविटी की शक्ति तारे पर भारी पड़ने लगती है।
और तारा अनस्टेबल हो जाता है और अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाता है। जब ऐसा होता है तब ब्लैक होल्स बनते हैं, लेकिन ये होना भी बहुत रेयर होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि किसी तारे का ब्लैक होल में बदलने के लिए उसका मास बहुत ज्यादा होना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी चांसेज हैं कि वो तारा ब्लैक होल में तब्दील होने की बजाय सुपरनोवा हो जाए। सुपरनोवा दुनिया के सबसे बड़े विस्फोटों में आता है। जब एक तारा अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेता है तब एक बड़े एक्सप्लोजन में वो तारा फटकर तबाह हो जाता है। ब्लैक होल एक बेहद ही दिलचस्प चीज है। जब एक तारा अपने आप के अंदर कोलैप्स करता है तब उसका पूरा मास एक ही पॉइंट में आने लगता है। इस वजह से वो और ज्यादा छोटा होता जाता है, लेकिन उसका मास अभी भी उतना ही है। आप इसे एक गुब्बारे के फूलने के एग्जाम्पल से इमेजिन कर सकते हो। एक छोटे से गुब्बारे के अंदर लगातार हवा यानी मास को भरा जा रहा है, लेकिन गुब्बारा ब्लास्ट नहीं होता बल्कि वो और ज्यादा हवा को अपने अंदर लेता जाता है। जरा सोचिए ऐसे बैलून का मास कितना ज्यादा होगा। जब आप किसी पेपर पर अपने पेन से जोर से एक पॉइंट को दबाते हो तब वो पेपर फट जाता है। स्पेस टाइम भी ऐसे ही पेपर की तरह होता है जिस पर ब्लैक होल नाम का भारी पेन छेद करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेस टाइम बस खींचता चला जाता है और ब्लैक होल के आसपास की फिजिक्स बदलने लगती है। ये ब्लैक होल स्पेस टाइम को बेंड कर देता है और फिजिक्स के सभी सिद्धांतों को तोड़ देता है। ऐसा पॉइंट जहां पर ये सारे फिजिक्स के लॉज टूट जाते हैं उस पॉइंट को सिंगुलरिटी कहा जाता है। एक ब्लैक होल अपने आसपास के वातावरण को इस तरह से अफेक्ट करता है कि जो भी लाइट इसके अंदर जाती है वो वापस बाहर नहीं आ पाती। जिस सीमा तक एक ब्लैक होल इस तरह की प्रॉपर्टीज को दर्शाता है उसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। कोई भी चीज चाहे वो प्लैनेट हो या रोशनी, अगर इवेंट होराइजन के पार जाएगी तो फिर वो कभी लौटकर वापस नहीं आ पाएगी। सबसे पहली बार एक ब्लैक होल का सबूत साल 1971 में मिला था और अब लगभग 50 साल बाद वैज्ञानिकों ने एक लाइव ब्लैक होल की फोटो दुनिया के सामने रिलीज कर दी है। इससे साबित हो गया कि पिछले 300 सालों से जो वैज्ञानिक मेहनत कर रहे थे वो बेकार नहीं गई है। ब्लैक होल की खोज कर लेना अब आम बात हो गई है। वैज्ञानिकों ने अब तो ब्लैक होल की कैटेगरीज भी बना दी हैं। मतलब अंतरिक्ष में केवल एक तरह के ही ब्लैक होल्स नहीं घूम रहे हैं बल्कि टोटल 4 तरह के ब्लैक होल्स देखने को मिलते हैं। इनमें भी 2 तरह के ब्लैक होल्स सबसे ज्यादा कॉमन हैं, स्टेलर ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब एक बहुत बड़ा तारा अपने ही अंदर कोलैप्स करके मर जाता है। इन ब्लैक होल्स का मास हमारे सूर्य के मुकाबले 10 से 20 गुना ज्यादा होता है और केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लाखों स्टेलर ब्लैक होल्स हो सकते हैं। वहीं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बहुत ही बड़े होते हैं। इनका मास हमारे सूर्य के मुकाबले करोड़ों गुना ज्यादा हो सकता है। अभी वैज्ञानिक केवल अनुमान ही लगा पा रहे हैं कि ये कैसे बने होंगे, लेकिन वो इतना जरूर जानते हैं कि ऑलमोस्ट हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। यहाँ तक कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है और इसका नाम है सेजिटेरियस ए और इसका मास करीब 4 मिलियन सूर्य के बराबर है। अब आप सोच सकते हो कि इस सुपरमैसिव ब्लैक होल के अंदर हमारे सूर्य जितने करीब 40 लाख सूर्य समा सकते हैं। तो अब तक हमने ब्लैक होल्स के बारे में क्या जाना, कि ये बेहद ही बड़े होते हैं, इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी तक उनके चंगुल से बाहर नहीं निकल सकती और ये अपने आसपास के स्पेस टाइम की फिजिक्स को अनोखे तरीके से बदल देते हैं। अब अगर ब्लैक होल नाम की असाधारण सी चीज पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है तो ये व्हाइट होल की इतनी बातें क्यों की जा रही है। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े ब्लैक होल को कैमरे में रिकॉर्ड कर पा रहे हो, उसकी हर हरकत आप कैमरे के जरिए देख पा रहे हो और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा पा रहे हो। आप देखते हो कि जितने भी पदार्थ ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर जाते हैं वो फिर बाहर नहीं आते। ऐसा आपने हजारों वस्तुओं के साथ देख लिया है। अब एक दिन आप देखते हो कि इस विशाल ऑब्जेक्ट के अंदर चीजें अंदर जाने की बजाय वहां से बाहर आ रही हैं। ये क्या अजीब सी चीज हो रही है। ब्लैक होल तो अपनी ग्रेविटी की मदद से हर एक चीज को अपने अंदर समा लेता है। कहीं आपका कैमरा ही तो रिवर्स में वीडियो नहीं चला रहा। लेकिन जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करते हो आपका शक उतना ही गहरा होने लगता है। इसके अंदर से चीजें बाहर आने लगी हैं। कुछ इसी तरह के सिद्धांत पर व्हाइट होल काम करता है। व्हाइट होल ब्लैक होल का जुड़वा भाई माना जाता है जो बिल्कुल उससे उलट होता है। वो मैटर को अपने अंदर नहीं लेता बल्कि बाहर छोड़ता है। अगर आप एक रॉकेट में बैठकर धरती से अंतरिक्ष में जाने की कोशिश करें तो आपको कौन सी परेशानी से होकर गुजरना होगा। ऑब्वियस सी बात है कि धरती की ग्रेविटी अपनी पूरी कोशिश करेगी कि आप बाहर ना जा सकें।
लेकिन अगर आपके रॉकेट का इंजन ताकतवर है और आप तेजी से उसे उड़ा रहे हो तो आप पृथ्वी की स्केप वेलोसिटी को चीरकर अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे। स्केप वेलोसिटी वो जरूरी स्पीड है जो आपके रॉकेट की होनी ही चाहिए अगर आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करना है। तो एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी स्केप वेलोसिटी की वैल्यू अनगिनत मैग्नीट्यूड तक पहुँच सकती है। यहाँ तक कि ये रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज होती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज रोशनी से तेज ट्रेवल नहीं कर सकती। अब ब्लैक होल की इस ग्रेविटी के फोर्स को लीजिए और उसकी डायरेक्शन को बदल दीजिए। अब ये चीजें अंदर लेने के बजाय बाहर छोड़ने लगता है और आपको मिल जाता है एक व्हाइट होल। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये इतना ज्यादा अजीब क्यों है। दरअसल ब्लैक होल प्रकाश तक को अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देता, वहीं व्हाइट होल के केस में प्रकाश उसे छू भी नहीं पाता। पर ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाइट होल भी एक ऐसी वस्तु है जिसका मास है। और एक चीज अगर हम दावे के साथ कह सकते हैं तो वो ये है कि जिस भी वस्तु के पास मास होता है वो ग्रेविटी के फोर्स का इस्तेमाल करती है। इस हिसाब से तो व्हाइट होल ने भी सभी पदार्थों को अपनी तरफ खींचना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूर्य अपनी ग्रेविटी से दूसरे प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट में बांध कर रखता है। लेकिन व्हाइट होल्स ऐसा नहीं करते, इसीलिए तो दुनिया भर के वैज्ञानिक चकित होकर रह गए हैं। बिल्कुल जैसे ब्लैक होल के पास एक इवेंट होराइजन होता है जिसके अंदर जाते ही ऑब्जेक्ट्स बाहर नहीं निकल सकते, उसी तरह से व्हाइट होल्स के पास भी एक इवेंट होराइजन होता है। बस फर्क इतना है कि ये इवेंट होराइजन एक ढाल की तरह काम करता है जो किसी भी चीज को अंदर नहीं आने देता। अब एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर व्हाइट होल्स बनते कैसे हैं? बदकिस्मती से वैज्ञानिक अब तक ये भी पक्के तौर से नहीं कह सकते कि व्हाइट होल्स रियल हैं या फिर नहीं। उन्होंने स्पेस में ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया जिसे कि नॉर्मल फिजिक्स और अभी तक की नॉलेज से समझाया नहीं जा सकता, इसीलिए उन्होंने व्हाइट होल नाम की नई चीज बना दी। लेकिन इसके बाद भी व्हाइट होल्स कैसे बने होंगे इस बात के बहुत सारे सजेशंस दिए जा चुके हैं। जैसे कि बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि जब एक प्राचीन ब्लैक होल अपनी लाइफ साइकिल के अंत में पहुंच जाता है तब वो अपने अंदर इकट्ठा की गई हरेक चीज को बाहर फेंक देता है और एक व्हाइट होल में बदल जाता है। कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि बिग बैंग भी असल में एक व्हाइट होल से निकला था और उसके अंदर से ही हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। एक और बेहद ही दिलचस्प थ्योरी कहती है कि ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कई सालों से वैज्ञानिक पता लगाना चाह रहे हैं कि आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। अब अगर किसी भी जगह की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है? आप अपने मोबाइल फोन या सैटेलाइट फोन से वहाँ कांटेक्ट करते हो और उस इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजते हो। दूसरी तरफ से फिर वो इन्फॉर्मेशन हमें भेजी जाती है। अंतरिक्ष में भी किसी चीज की नॉलेज लेने के लिए हम यही करते हैं, लेकिन ब्लैक होल एक मात्र ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी भेजने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से बाहर नहीं आ पाती। अगर ऐसा सच है तो एक दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ब्लैक होल एक ऐसा गड्ढा है जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समा सकता है? इस सवाल का जवाब व्हाइट होल्स के जरिए दिया गया है। कहा गया है कि जो वस्तु ब्लैक होल के अंदर जाती है वो ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने से व्हाइट होल से बाहर निकलती है। अब अगर एक तरह से देखा जाए तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल नहीं है। अगर ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स एक दूसरे से उलट काम करते हैं तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वे दोनों स्पेस टाइम में एक दूसरे से जुड़े हों। इस थ्योरी को ज्यादातर वैज्ञानिक इसलिए नकार देते हैं क्योंकि किसी भी तरीके से इसे प्रूव नहीं किया जा सकता। हमें एक ऐसा रॉकेट बनाना होगा जो प्रकाश की गति से गुजरकर सक्सेसफुली ब्लैक होल के अंदर प्रवेश कर जाए। और अगर हमने आगे जाकर ऐसा कर भी लिया तब भी जरूरी नहीं कि इंसान ब्लैक होल के अंदर से इन्फॉर्मेशन को बाहर भेज पाएंगे। हमें ऐसी डिवाइस भी बनानी पड़ेगी जो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से इन्फॉर्मेशन को बाहर धरती पर भेज पाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टेक्नोलॉजी से फिलहाल हम कई साल दूर हैं। तब तक के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि ब्लैक होल और व्हाइट होल एक दूसरे से अलग होते हैं। अब मैं आपसे एक बेहद ही दिलचस्प सवाल पूछने वाला हूँ। क्या होगा अगर अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल और एक व्हाइट होल की टक्कर होगी?
एक तरफ ब्लैक होल है जो अपने आसपास आई हर एक चीज को खा जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक व्हाइट होल है जो किसी भी मैटर को अपने पास नहीं आने देता। अब जैसे जैसे ब्लैक होल और व्हाइट होल एक दूसरे के करीब आने लगेंगे तो ब्लैक होल तुरंत अपनी शक्ति का प्रदर्शन व्हाइट होल पर करने लगेगा। व्हाइट होल चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन ब्लैक होल की विशाल ग्रेविटी की शक्ति को टक्कर नहीं दे पाएगा। इस सिचुएशन में व्हाइट होल केवल अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है और वो है एनर्जी को बाहर की तरफ निकालना। लेकिन ब्लैक होल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लैक होल व्हाइट होल की इस शक्ति को अपनी शक्ति बना लेगा और तेजी से व्हाइट होल से निकल रही एनर्जी को अपने अंदर लेने लगेगा। अब जैसे जैसे व्हाइट होल से मास ब्लैक होल में ट्रांसफर होने लगेगा, वैसे वैसे ब्लैक होल की ताकत और ज्यादा बढ़ने लगेगी। अब अगर आपको लग रहा है कि ये लड़ाई एक तरफा है तो आप बिल्कुल सही हो। ब्लैक होल व्हाइट होल को पूरी तरह से खा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई तुरंत खत्म नहीं होगी। ब्लैक होल हजारों लाखों सालों तक व्हाइट होल को खाता रहेगा और जैसे जैसे वो उसके अंदर की वस्तुओं को अपने अंदर लेने लगेगा, उसका साइज और ज्यादा बड़ा होता जाएगा। वक्त में ऐसा पॉइंट आएगा जब ब्लैक होल व्हाइट होल को पूरी तरह से निगल लेगा और खुद एक विशालकाय ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।